हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीजें शेयर करना चाह रही हूँ जो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है अगर आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा में आ रहे हो, या फिर दो तीन चीजें बीच में ऐसी भी हैं कि अगर आप एज ए इमिग्रेंट भी, चाहे एज ए पीआर भी आ रहे हो, तब भी आपको इन चीजों का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो रहा है कनाडा में। ठीक है जी, तो आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड में जो मैं आप लोगों के साथ बात शेयर करने वाली हूँ, वो पेरेंट्स जो मेरी वीडियोस देखते हैं, वो पेरेंट्स को भी देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उन लोगों को भी इन चीजों का अगर वो ध्यान रखेंगे, उनके जो बच्चे हैं वो इंडिया से कनाडा आते हैं या किसी भी और कंट्री से कनाडा आते हैं, तो अगर वो ये वीडियोस का मतलब नहीं देख रहे हैं, अगर वो इन चीजों का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो पेरेंट्स को भी थोड़ा सा ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि उनके बच्चे जो है सेफ रहें। तो चलिए जी, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दो। अगर मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, किसी चीज को लेके कोई डिस्कशन करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उसका लिंक आपको मेरी इंस्टाग्राम की बायो में भी मिल जाएगा। अब सबसे पहले बात जो बहुत ही आप लोगों को, कईयों को लगेगा कि ये तो बहुत ही कॉमन है, बट कॉमन नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता होती कि जब हम कनाडा आते हैं, चाहे हम एज ए इमिग्रेंट आते हैं, चाहे हम स्टूडेंट आते हैं, हमें जो कनाडा में आके सिन नंबर मिलता है, जिसको SIN नंबर, जिसको हम सिन नंबर बोलते हैं, वो एक 9 डिजिट का हमारा नंबर होता है, जो नंबर हमें बेसिकली काम करने के लिए जरूरी चाहिए होता है, जो नंबर शो करता है अगर आप लीगली कनाडा में आए हो। तो जब आपको कहीं पे जॉब लेने जाना होता है, बहुत सारे लोगों को सिन नंबर का मतलब नहीं पता इसलिए बता रही हूं, जब हमने जॉब लेने जाना होता है तो वो हमारा एक पर्टिकुलर नंबर होता है, जैसे हमारा इंडिया में पैन कार्ड होता है ना, बेसिकली वो सेम ही चीज होती है कि हमारा इनकम टैक्स जब हम फाइल करते हैं उसमें वो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली इंप्लॉयर डालता रहता है। जहां पे भी आप काम करोगे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके सिन नंबर के साथ मतलब रिलेट होती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को, CRA को, यानी कि कनाडा रेवेन्यू एजेंसी के पास वो रहती है, वो होता है हमारा सिन नंबर। तो वैसे तो सबको पता ही है, जिन लोगों ने पैन कार्ड पे काम किया हुआ है इंडिया पे, जिनके पास पैन कार्ड था, अपना टैक्स रुक्स फाइल करते हैं, तो उनको पता ही कि टैक्स जो पैन कार्ड है वो एक आपकी आइडेंटिटी, यूनिक आइडेंटिटी होती है, वो भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी होती। ऐसे ही हमारा जो सिन नंबर है वो कभी भी आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। कोई भी आपसे मांगे, अगर आप जैसे कई लोगों को पता नहीं होता, जब हम एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं हमें नहीं पता होता, हमें फोन लेने जाना है, हमें सिम लेने जाना है, तो मुझे, मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि किसी के साथ ऐसा हुआ था, उन्होंने बोला आपके पास सिन नंबर है, शी सेड यस है, तो वो सिन नंबर उन्होंने ले लिया, बाद में उसके सिन नंबर का मिसयूज हुआ था, राइट। क्योंकि आप स्टूडेंट हो, आप सिर्फ 20 आवर्स ही काम करना अलाउड होते हो, अगर आपके सिन नंबर पे कोई अपने आवर्स डाल रहा है या कुछ भी हो रहा है, वो आप फंसोगे, वो नहीं फंसेंगे। इसलिए आपको अपना सिन नंबर कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। अगर कोई आपके नोन में कनाडा आ रहा है जिसको ये चीजें जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो प्लीज उसको ये वीडियो जरूर सेंड करो। और अपन जो, अगर कोई पेरेंट मेरी वीडियो देख रहा है, अपने बच्चों को चाहे उनको पता भी है, तो प्लीज उनको जरूर बताइए इस चीज के बारे में, ठीक है जी। नंबर 2 पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जब हम नए आते हैं ना कनाडा में, तो बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं हमें यहाँ पे, जब हम स्पेशली स्टूडेंट आते हैं, क्योंकि हम एक तो घर से दूर है, होम सिकनेस वैसे ही पहले ही बहुत ज्यादा होती है, ऊपर से स्टडीज का बोझ, ऊपर से जॉब करनी है, घर के काम, सब कुछ एक ही मतलब बार में सब कुछ हमारे सिर पे आ जाता है, तो बहुत ज्यादा बंदा डिप्रेस हो जाता है। कई बच्चे इसीलिए बहुत ज्यादा डिप्रेशन में भी चले जाते हैं जब नए आते हैं, जॉब नहीं मिल रही, उस चीज का स्ट्रेस, खर्चा कैसे निकलेगा, कोई बच्चे लोन लेके आ रखे होते हैं, उस चीज का स्ट्रेस। कई बार वो बोलते हैं अच्छा आप स्टूडेंट हो, 20 आवर ही काम कर सकते हो, तब भी काम नहीं मिलता। बहुत सारी चीजें जो हमें फेस करनी पड़ती है, जिस वजह के स्टूडेंट्स जो हैं वो स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, राइट। बट उन चीजों को लेके फिर कई बार ऐसे गलत चीजों में धकेलने वाले लोग हमें मिल जाते हैं, जो बोलते हैं छोड़ यार स्टडीज क्या करनी है, छोड़ यार पैसे वैसे कमाते हैं, राइट, और आपको बोले करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही वर्क परमिट तो मिल ही जाता है, कोई नहीं, कोई ना कोई ढूंढ लेंगे, मिलवा देगा कोई ना कोई वर्क परमिट, राइट।
बट ऐसा नहीं होता है। फिर जब आप स्टडी छोड़ देते हो, आप काम करना मतलब शुरू कर देते हो, अगर आपने स्टडी नहीं करी, जब आप स्टूडेंट वीजा पे हो, आपने अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं करी, आपको कभी भी PGWP जो वर्क पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट होता है वो नहीं मिल सकता है। जो आपको ऐसे लॉयर्स या एजेंट्स मिलते हैं जो आपको बोलते हैं कि अच्छा आपने स्टडी कंप्लीट नहीं करी, कोई बात नहीं, मैं दिलवा देता हूँ आपको वर्क परमिट, वो पता है कैसे मिलता है? वो मैं आपको बताती हूँ वो कैसे मिलता है। जो कई अब जैसे मैं हूं, मैंने अपना स्टडी का जो सारा सिस्टम है वो पकड़ा दिया किसी एजेंट को कि ओके मेरा वर्क परमिट अप्लाई कर दो। अब उनके पास सब कुछ चला गया, बाद में मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया कि अच्छा नहीं यार मैं खुद ही कर लेता हूँ, अच्छा नहीं यार चाहे मैं किसी और एजेंट से करवा लेता हूँ। उनके पास डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं मेरे, अब किसी और का डिप्लोमा, उसमें वो नाम चेंज कर देते हैं, अब नेहा है उसका किसी और का, क्योंकि उसमें फोटो तो होती नहीं आपकी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट में, सिर्फ नाम होता है राइट, और वो सारी इंफॉर्मेशन जो है एडिट करके, यानी कि डॉक्यूमेंट्स को वो फॉर्ज करते हैं, वो करके उसको आपकी इंफॉर्मेशन आपके नाम पे सब कुछ भेज देते हैं और आपका जो है वर्क परमिट ले लेते हैं, आपको आपसे पैसे ले लेते हैं कि ये देखो मैंने आपका काम करवा दिया। अब आपको आपके दिमाग में अच्छा है भाई यार ये तो बढ़िया मेरा काम हो गया, बट ऐसा नहीं होता। जब आप PR लगाने जाओगे ना तब आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे फंस गए हो। तभी इसी वजह से ये जो फ्रॉड हुए थे, जो 700 स्टूडेंट्स को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को डिपोर्ट करने तक की नौबत आ गई थी, उनकी जो ऑफर लेटर्स थी वो ऐसे ही हुई थी, वो फ्रॉड ऐसे ही हुआ था कि वो डॉक्यूमेंट किसी और के नाम का था, नाम किसी और का चला गया, और उसके बाद वहां पे जब स्टूडेंट्स आए उन्होंने बोला हमारे पास तो सीट्स नहीं है। वो भी मैं एक मेरे दिमाग में चल रही है कि ऐसा क्यों करते हैं जो कॉलेजेस होते हैं, वो ओवर एडमिशंस क्यों देते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो ये चीज है कि किसी के मगर लग के या किसी के पीछे लग के, मेरे मुंह से कभी कभी गुस्सा आता है तो मैं पंजाबी निकल जाती है, किसी के पीछे लग के आपको अपनी स्टडीज नहीं छोड़नी है, आपने अपनी स्टडी जो है कंप्लीट करनी है, उसके बाद आपको वर्क परमिट लेना है, किसी के पीछे नहीं लगना है। अगर कोई भी बोले, ये मेरी पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट है, जो भी पेरेंट्स है अपने बच्चों को ये सारी चीजें पूछते रहा करो, अच्छा अभी कितने मार्क्स आए, पास हो गया, फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, टेस्ट हो गया, जो भी है आप अपने खुशी में पूछो कि हाँ आप नंबर रिपोर्ट भेजो, मार्कशीट भेजो, कुछ भी यार, जो भी आप लोगों से बन पड़े, आप दूर रह के जितना अपने बच्चों पे नजर रख सकते हो उतनी रखो, ताकि वो ऐसी कोई गलती ना करें जैसी आजकल ये चीजें, क्योंकि पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा सपने सोचे होते हैं बच्चों के लिए। पहले तो वो एक गलती करके पैसे कमा लेते हैं, बाद में जब PR लेने की बात आती है तब वो फंस जाते हैं। पेरेंट्स का जो सपना है वो तो टूटा ही टूटा, आपका भी टूटा राइट। तो ये चीजों का आपने ध्यान रखना है, किसी के पीछे लग के अपना जो है अपनी स्टडी नहीं छोड़नी है। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नंबर 3 पे वैसे तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपको नहीं करनी है, बट 3rd इज कि आपको जब भी हम इंडिया से आते हैं, कई बार हमारे इंडिया में, मैंने भी ऐसे किया था, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको हम लैमिनेट करवा लेते हैं, हमारे पेरेंट्स को बहुत रहता है कि डॉक्यूमेंट सेफ रहेंगे राइट, तो लैमिनेट तो हम करवा लेते हैं, बट जब हम कनाडा आते हैं अगर कोई उनमें से डॉक्यूमेंट कनाडा की गवर्नमेंट को ओरिजिनल देखना हो या चाहिए हो, वो लैमिनेटेड डॉक्यूमेंट्स जो है एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जी हाँ, वो लैमिनेटेड डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये आपको बात का ध्यान रखना है कि अगर आप कनाडा आ रहे हो तो मेक श्योर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लैमिनेटेड ना हो। अगर कोई डॉक्यूमेंट लैमिनेटेड है, अगर आपको लगता है कि वो डॉक्यूमेंट मांगा जा सकता है आपसे ऑफिसर की तरफ से जब आपकी इमिग्रेशन होगी कनाडा में, तो प्लीज उसकी लैमिनेशन जो है हटवा लीजिए, नहीं तो आपको वो कोई ना कोई इशू बना ही सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑफिशियली लिखा हुआ है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट लैमिनेटेड डॉक्यूमेंट अगर हमें जरूरत पड़ जाए तो, ठीक है। तो ये 3 चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जानना, तो यही मैंने आपको बताना था। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।